committee meeting was held under the chairmanship of. In the meeting, 3rd of February at 4 p.m. in Civil Secretariat, Civil Secretariat Jammu, attended by all the secretaries, respective DDC Poonch, along with district officers from Agriculture, Animal Husbandry, RTM, through video conference. Even district officers from Agriculture, Animal Husbandry were also present in that meeting and instructions were issued to them. Another meeting was held by Commissioner Secretary, Agriculture Department on 11th of February at Directorate of Agriculture Office, Jammu, which was attended by all the IDMs of District Poonch, of this unit territory, district wise, wherein the instructions were issued to all the stakeholders in the district to involve their field staff under the leadership of worthy EDC sir, so that benefits of aforesaid scheme reach every kisan of the district. Hence, for the information of the house, we have to increase in 3/4 of this financial year. We assure you, Bursaraf, and the house that if all the schemes, especially this KCC, in agriculture allied activities, if implemented in latter and separate, results should be against our targets. We have also started the program for the, this landing. उसमें हमारे पूरे स्टेट को जम्मू कश्मीर को पीएम जेएसडीवाई ये जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 50 लाख का टारगेट हमें मिला है. जेडीवाई में 12 लाख का, जेजेबीवाई में 25 लाख का और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट लिंक में 50,000 हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंक करना है. केसीसी 10 लाख केसीसी इशू करने हैं और मुद्रा एमएसएमई रिटेल ये जो हमारे लोन्स हैं इनको सैचुरेशन वर्ड को सैचुरेशन डिमांड होगी उसको सैचुरेट करना है. तो जो सरकारी डायरेक्शन है कि 50,000 मतलब अराउंड 50 लाख लोगों को हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच करना है अपने इस कैंपेन के थ्रू, क्योंकि हमने 10 लाख किसानों के पास पहुंचना है. सेम ही वैसा दिखा है हमारा करंट ईयर, वो सेम ही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा 50 लाख जो टारगेट है वो है जीवन सुरक्षा बीमा योजना. तो जिसके पास की बैंक अकाउंट है उसने हमने हर एक का बैंक अकाउंट उसको जो है इन बीमा योजना उसमें भी जो गवर्नमेंट की है इसमें भी एनरोल करना है. और उसके साथ साथ हमने जो अपने यूजुअल टारगेट है जो हमारी डिमांड से बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने अपना जो फाइनेंस हम देते हैं बेसिकली उसको सैचुरेट करना है डिमांड जो भी डिमांड है हमारा. जे आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी है उसकी मीटिंग हुई और क्योंकि पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कोशिश है कि हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो हर हालत में पूरे किए जाएं और इसके लिए पिछले हफ्ते ही एक स्पेशल हमारी मीटिंग भी हुई थी रिगार्डिंग केसीसी. सो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 31 मार्च तक हमारे जितने भी किसान हैं जितने भी हमारे किसान भाई हैं जिनके पीएम किसान के जिनको हम अकाउंट खुले हुए हैं उनके सबको हम केसीसी में भी 100% कवरेज करें. इसी तरीके से हमारे चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम हो या फिर जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है मुद्रा स्कीम या फिर दूसरी स्कीम जिसमें कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनको भी सैचुरेशन मोड पर कंप्लीट करना है. यानी कि जो भी पर्सन जो एलिजिबल है और जो लोन लेना चाहता है उसको हर हालत में हमने जो है उसको ये फैसिलिटी क्रेडिट की अवेलेबल करवानी है. सो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को पूरा करने के लिए आज एक स्पेशल एम्फेसिस इस मीटिंग में दिया गया. थैंक यू.